देश की जीडीपी की वृद्धि दर 2016-17 में घटकर 7.1% पर आ गई है। कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वृद्धि दर नीचे आई है। सरकार ने 500 और 1000 के बड़े मूल्य के पहले से चल रहे नोटों को 8 नवंबर को बंद करने की घोषणा की थी। इस नोट बदलने के काम में 87% नगद नोट चलन से बाहर हो गए थे। नोटबंदी के कारण देश की जीडीपी दर जनवरी मार्च तिमाही में 6.1% रही। इससे पूरे वित्त वर्ष में वृद्धि दर 3 साल के सबसे निचले स्तर 7.1% पर आ गई है। आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जब मोदी सरकार 3 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में देश की जीडीपी 8% और इससे पहले वित्त वर्ष में 7.5% रही थी। कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद 2016-17 में वृद्धि दर कम हुई है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2017 के जनवरी मार्च तिमाही में 6.9% रही। भारत ने पहली बार 2015 में जीडीपी वृद्धि के मामले में चीन को पीछे छोड़ा था। अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी देश के लिए बहुत फायदेमंद रही और इसे बहुत सपोर्ट मिला। फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने कहा कि चौथी तिमाही में सुधार की आशंका होती है, लेकिन नोटबंदी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि जब कैश की समस्या खत्म हो गई है और धीरे धीरे विकास की गति बढ़ रही है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी झटका था और अब नए नोटों के चलन में प्रगति के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। नोटबंदी के बाद कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है। नोटबंदी से चौथी तिमाही में निर्माण क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा और इसमें 3.7% की गिरावट आई, जबकि 2015-16 की इसी तिमाही में इसमें 6% की वृद्धि हुई थी। विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए वृद्धि 2017-16 में घटकर 7.9% पर आ गई है, जो इससे पूर्व वर्ष में 10.8% थी। फिलहाल के लिए इतना ही, आइए नज़र डालते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में सोपोर के नाथीपुरा इलाके में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इनके पास से 2 AK-47 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। पेट्रोल की 1.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 0.89 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ा दी गई है। नई कीमतें आधी रात से लागू की जाएंगी। भारत की जीडीपी साल 2016-17 में 7.1% पर आ गई। इसी के साथ भारत से दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा छिन गया है। नोटबंदी के कारण देश की जीडीपी दर जनवरी मार्च तिमाही में 6.1% रही। इससे पूरे वित्त वर्ष में वृद्धि दर 3 साल के सबसे निचले स्तर 7.1% पर आ गई। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के पिछले साल जुलाई में एक मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से कश्मीर में कम से कम 67 नौजवान उग्रवादी बन चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार इन 67 नए उग्रवादियों में से 63 की उम्र 30 साल से कम है। इनमें 2 उग्रवादियों की उम्र 15 और 16 साल है। युवा उग्रवादियों में 15 साल के किशोर से लेकर बीटेक, बीई, एमफिल कर चुके नौजवान शामिल हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जिस जज ने बुधवार को गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का सुझाव दिया, इसके बाद जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने मोर को लेकर कहा कि जो मोर है ये आजीवन ब्रह्मचारी होता है, वो कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करता, इसके जो आंसू आते हैं मोरनी उसे चुककर गर्भवती होती है और मोर या मोरनी को जन्म देती है।